क्या स्विट्जरलैंड एक्सपेंसिव है? इस कंट्री की अपनी खुद की रेपुटेशन है ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज ऑन द प्लेनेट, बट क्या ये रूमर सच है? वेल, वी हेट टू ब्रेक इट टू यू, ये रूमर्स बिल्कुल सच हैं। हेलो द मुसाफिर फैम जैम, वेलकम बैक टू द चैनल। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द चैनल, मैं हूं शिवानी और मैं हूं अर्चित, एंड इस वीडियो में हम आपको हमारी स्विट्जरलैंड ट्रिप की सारी कॉस्ट डिटेल शेयर करेंगे। व्हाई यू आस्क? बिकॉज आप लोगों ने हमारी स्विट्जरलैंड ट्रैवल सीरीज पे भर भर के प्यार दिया है, हमारी प्लानिंग वीडियो पे, हमारी ट्रैवल टिप्स वाली वीडियो पे भर भर के प्यार और क्वेश्चंस पूछे हैं। और उनमें से ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ आवर स्विट्जरलैंड ट्रिप एंड हाउ एक्सपेंसिव स्विट्जरलैंड इज। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट मेक दिस वीडियो जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स एंड द कॉस्ट ब्रेकडाउन ऑफ आवर एंटायर ट्रिप। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपकी स्क्रीन पे एक सब्सक्राइब का बटन है, दोस्तों यारों भाइयों बहनों प्लीज उसको क्लिक कर दो, वीडियो को साथ साथ लाइक भी कर दो। सो ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करें तो हमने उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक्सपेंसेस दैट हैपेंड बिफोर द ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस दैट हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रैवल। इन दोनों ब्रॉड कैटेगरीज में वी विल कवर टॉपिक्स लाइक कॉस्ट फॉर शेंगन वीजा, फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, स्विस ट्रैवल पास, फूड, इंश्योरेंस, साइट सीइंग एक्टिविटीज एंड जो और हमारे एक्सपेंसेस हुए थे। अब इन सारी कैटेगरीज को हम एक एक करके कवर करेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन द एक्सपेंसेस जो हमने ट्रैवल शुरू होने से पहले किए थे, एंड उसमें जो मेन कैटेगरीज है वो है आपकी शेंगन वीजा, फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, स्विस पास, ट्रैवल insurance and other prior bookings. So शेंगन वीजा, मोस्ट ऑफ यू विल नो कि अगर आपको यूरोप आना है तो यूरोप आने के लिए आपको शेंगन वीजा लगाना पड़ेगा। अब कनाडा आने से पहले हम लोग 2 साल बेल्जियम में थे, वहाँ पे हमारे पास बेल्जियम की रेसिडेंसी थी, तो हमारा शेंगन वीजा का कॉस्ट हो जाता है 0। बट अगर आपको यूरोप आना है और आपको शेंगन वीजा लगाना है तो आपका चार्जेस जो पड़ेंगे विल बी 160 यूरो एज अ कपल। इफ यू हैव चिल्ड्रन उनका एडिशनली 40 यूरो पर चाइल्ड, बट इफ यू हैव किड्स हु आर अंडर 6 इयर्स ओल्ड वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्लाइट के कॉस्ट की। हमने अभी बुकिंग कुछ इस तरह से की थी दैट वी फ्लू इन एंड आउट ऑफ द जिनीवा एयरपोर्ट, बट बुकिंग फाइनल करने से पहले हमने काफी सारी सिमुलेशन की थी इनकॉग्निटो मोड में ताकि हमें बेस्ट प्राइस बेसिकली मिल जाए। तो उनमें से कुछ ऑप्शन थे कि हम लोग ब्रसल्स से ज्यूरिक का टू एंड फ्रो कर लें, दूसरा एक ऑप्शन था कि हम जिनीवा एयरपोर्ट में फ्लाइन कर लें और ज्यूरिक एयरपोर्ट से फ्लाई आउट कर दें, वाइस वर्सा। बट जैसे शिवानी ने बोला, ब्रसल्स टू जिनीवा का रिटर्न वॉज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर अस, एंड यू विल नॉट बिलीव हमारा पर पर्सन एक साइड की जो हमें टिकट पड़ी थी दैट वाज ओनली मात्र 30 यूरो की। यू विल नॉट बिलीव दैट हमारा उसके बाद रिटर्न की जर्नी, चार्जेस, टैक्सेस वैक्सेस सब मिला मुलू के पर पर्सन हमें पड़ा था 120 यूरो, तो दोनों का मिला के हो गया 240 यूरो। बट इसमें ना सिर्फ एक ही बैगेज इंक्लूडेड था जो कि हमारी सीट के अंदर जाना था, तो हमें एक एडिशनल बैगेज लेना पड़ा था एंड उसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 30 यूरो था फॉर अ फ्लाइट फ्रॉम ब्रसल्स टू जिनीवा एंड 25 यूरो फॉर अ फ्लाइट फ्रॉम जिनीवा टू ब्रसल्स। सो हमारा कुल मिला के टोटल फ्लाइट कॉस्ट जो था वो कम से कम अराउंड 295 यूरो आ गया था। बट इसमें प्लीज ध्यान रखिए कि ब्रसल्स से स्विट्जरलैंड का फ्लाइट जर्नी ना 1 आवर 40 मिनट का ही है, बट यही अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तो वो ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सो उस हिसाब से पर पर्सन का जो ट्रैवल रिटर्न ट्रैवल होगा वो समवेयर अराउंड 400 टू 550 यूरोस पर पर्सन पड़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट एक्सपेंस व्हिच इज प्रोबब्ली द बिगेस्ट एक्सपेंस ऑफ आवर स्विट्जरलैंड ट्रैवल, अकोमोडेशन। भाई साहब, जब हम लोगों ने फ्लाइट बुक करी थी उसके बाद जब हम फर्स्ट अकोमोडेशन बुक करने पे गए थे तो हमारी हालत खराब हो गई थी, इतना महंगा था, एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वन फ्रॉम द लॉट जो हमारे पास था। एंड ऐसा नहीं, हम लोगों ने वो अकोमोडेशन बुक करने के लिए सब तरफ सर्च किया था, booking.com, Airbnb, Agoda, Expedia and Anapshana, पता नहीं कितनी वेबसाइट सर्च करके फिर हमने हमारे अकोमोडेशन को फाइनलाइज किया था। सो हम लोगों ने हमारी स्विट्जरलैंड ट्रैवल में 3 अकोमोडेशंस बुक किए थे इन टोटल। सबसे पहले 5 nights at Wildersville village which is very near from Interlaken village and that costed us 1213 euros, then 2 nights in Lucerne which costed us 530 euros, and finally 3 nights in Lausanne which costed us 405 euros. Therefore the total cost of accommodation was 2,148 euros, which is close to 1,95,000 for 9 nights and 10 days. Having said that, you can visit Switzerland on a whole range of budget from as low as 24 euros per night for a dorm or a hostel bed to as high as 1,200 euros per night for a luxury stay. पता है क्या, हम लोगों ने ना काफी अच्छे से planning की थी, बहुत advance booking करी थी सब चीजों की, but मुझे still लगता है कि अगर हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो क्या पता ये cost थोड़ी सी reduce हो जाती। कोई बात नहीं आंटी जी, अब हो गया उस ट्रिप को एक साल, हम लोगों ने एंजॉय किया, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, और हाँ एंजॉय काफी किया, और हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी काफी अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, व्यू बहुत अच्छे थे। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए सारे होटल्स एंड एयरबीएनबी जहाँ पे हमने स्टे किया था अपने ट्रैवल के दौरान, उन सबकी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। एंड दैट्स व्हाई वी से कि स्विट्जरलैंड भाई महंगी जगह है, तो सोच समझ के प्लान करना। आई हैड नो आइडिया बिफोर मेकिंग दिस वीडियो कि हमारा 2 लाख रुपया तो सीधा सीधा अकोमोडेशन में लगा है। जय राम जी की। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमारा बिग टिकट आइटम था ना दैट वी स्पेंट बिफोर वी लैंडेड इन स्विट्जरलैंड वाज स्विस ट्रैवल।
ट्रैवल पास। अब हमने पास की बहुत सारी वीडियोस में आपको स्विस ट्रैवल पास का बेनिफिट बताया है एंड वी टोल्ड यू कि कैसे वो ट्रैवल पास लेके हमारा पूरा स्विट्जरलैंड का ट्रैवल वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन केस यू हैव नॉट वॉच्ड दोज वीडियोस, प्लीज उनको डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो। जेन्युइनली वो वीडियोस काफी अच्छी बनी है, आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा साथ में साथ आपको नॉलेज भी मिलेगी। एंड यार काफी सारे स्विस पासेस अवेलेबल है डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली टाइप, आपका ट्रिप ड्यूरेशन या आपका ट्रैवल टाइप, इन्हें चूज किया जाता है। अगर इस पे बात करने लगे ना तो ये इतना डिटेल टॉपिक है कि एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगी, बट अभी के लिए बात करते हैं कि हमने कौन सा स्विस पास लिया था। सो वी ऑप्टेड फॉर स्विस ट्रैवल पास व्हिच वाज आवर ऑल इन वन टिकट फॉर स्विट्जरलैंड। और इस पास को ना आप 3, 4, 6, 8 या 15 कंसेक्यूटिव डेज के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इस ट्रैवल पास के थ्रू यू गेट अनलिमिटेड ट्रैवल बाय ट्रेन, बस एंड बोट, अनलिमिटेड ट्रैवल ऑन प्रीमियम पैनोरमा ट्रेन्स, अनलिमिटेड यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मोर देन 90 टाउन्स एंड सिटीज, फ्री एडमिशन टू मोर देन 500 म्यूजियम्स, मल्टीपल माउंटेन एक्सकर्शंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड, देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 50% ऑन अदर माउंटेन एक्सकर्शन लाइक यूंगफ्राउयॉक, डिस्काउंट ऑफ अप टू 50% ऑन लेजर ट्रैवल ऑफर्स। अब क्योंकि हमारा एक बैकपैकर टाइप ट्रिप था जिसमें हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस एक सिटी से दूसरे सिटी, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, तो ये पास हमारे लिए परफेक्ट था। इस पास में कुछ और बेनिफिट्स हैं, इस पास के थ्रू आपको कुछ कुछ और जगह डिस्काउंट मिल सकता है, वो सारी चीजें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। तो हमने 8 दिन के लिए स्विस ट्रैवल पास ऑप्ट किया था और हमारा पर पर्सन का जो कॉस्ट था दैट वाज समवेयर अराउंड 400 यूरो, सो टोटल कॉस्ट था 800 यूरो व्हिच वाज समवेयर अराउंड 778 स्विस फ्रैंक्स। द लास्ट एक्सपेंस ऑफ दिस कैटेगरी इज ट्रैवल इंश्योरेंस एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वेरी अकस्टम टू बाइंग अ ट्रैवल इंश्योरेंस, बट ट्रस्ट मी गाइस, जहां पे आप इतना एक्सपेंसेस कर रहे हो ना वहां पे छोटा एक्सपेंस और कर दो। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको बहुत टाइप का मिलता है, फॉर एग्जांपल फॉर योर हेल्थ, सिकनेस, बुकिंग, फॉर योर अप्लायंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिवाइसेस, ड्रोन्स। अप्लायंसेस में कवर हो गया ना, ये जबरदस्ती तुम्हें चाबी डालने की जरूरत नहीं थी, यूंगफ्राउ का ब्लॉग देख के आओ तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी ट्रैवल इंश्योरेंस की। मूविंग ऑन, सो ट्रैवल इंश्योरेंस नेट नेट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था दैट वाज फॉर 34 यूरो पर पर्सन, टोटल हमारे को पड़ा था 68 यूरो का फॉर द एंटायर ट्रिप व्हिच इज जस्ट 6000 रुपीस। सो यार दिस मोटा-मोटा कंक्लूड्स आवर टोटल एक्सपेंस बिफोर द ट्रिप एक्चुअली बिगिंस। अगर आप एक कपल है और 9 नाइट्स और 10 डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, तो आपका खर्चा समवेयर अराउंड 3500 यूरो और 3 लाख इंडियन रुपीज होगा फॉर योर वीजा, फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रैवल इंश्योरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यार इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने कवर नहीं किया है, वो है इंटरनेशनल ई सिम। हम दोनों को जरूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज अर्चित के पास एक ऑलरेडी इंटरनेशनल सिम था, बट अगर आपको डिटेल्स चाहिए क्या कॉस्ट होती है, कौन सा बेटर होगा, तो सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो दैट इज ट्रैवल टिप्स टू स्विट्जरलैंड में कवर किया है अच्छे से। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड कैटेगरी व्हिच इज द एक्सपेंसेस दैट हैपेंड ड्यूरिंग द स्विट्जरलैंड ट्रिप। अब इसको कवर करने के लिए हम डे बाय डे चलेंगे, इसी बहाने आपको हम हमारी पूरी आइटनरी भी बता देंगे और डे बाय डे जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ वो भी शेयर कर देंगे आपके साथ। सो यार हमने अपना डे 1 शुरू किया था ब्रसेल्स एयरपोर्ट में। वी टुक अ फ्लाइट टू जिनेवा एयरपोर्ट, वहां से हमने ली थी ट्रेन टू इंटरलाकन, इंटरलाकन पे हमने एक और ट्रेन ली थी टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन व्हिच वाज विल्डर्सविल, जहां पे हमने अपना खूबसूरत सा एयरबीएनबी बुक किया था। दिन में हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, चिल किया, व्यू एंजॉय किया था अपने एयरबीएनबी से, बट शाम को हम निकले थे हाडकुंभ के लिए। ऑन अ वे बैक हमने इंटरलाकन भी एक्सप्लोर किया व्हिच वाज अगेन ब्यूटीफुल, एंड शाम को हमने खाया था एक इटालियन डिनर एट अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। सो गाइस हमारा जो स्विस ट्रैवल पास था ना वो उस दिन के दिन से स्टार्ट हो रहा था। सो जिनेवा से इंटरलाकन की जो हमारे को इवेंचुअली विल्डर्सविल की जो हमारी जर्नी थी दैट कॉस्टेड अस 60 यूरो पर पर्सन, तो 120 यूरो उसका पड़ा। फिर उसके बाद जब हम लोग हाडकुंभ गए तब तक हमारा स्विस ट्रैवल पास एक्टिव हो चुका था, तो हाडकुंभ पे हमारे को डिस्काउंटेड रेट पड़ा फॉर द फनिकुलर राइड, उसका हमारा 41 यूरो पड़ा, बेसिकली हाफ प्राइस हम लोग को पड़ा था जो टिकट की थी। करेक्ट। उसके बाद हमने वहाँ पे दिन भर में जो थोड़ा बहुत खाया पिया, जो थोड़ा बहुत घूमे फिरे, उसका हमारे को पड़ा 42 यूरो। रात को जो हम लोगों ने डिनर किया था उसके बाद हमने जो आइसक्रीम खाई थी उसका हमें टोटल पड़ा था 80 यूरो। सो इन टोटल अगर मैं बात करूं डे 1 का हम लोगों को जो कॉस्ट पड़ा था दैट वाज 241 यूरो। सो डे 2 वी ट्रैवल टू यूंगफ्राउयॉक व्हिच इज लिटरली द टॉप ऑफ यूरोप, एंड यहां की जर्नी ना यार अपने में ही एक एक्सपीरियंस है। सो हमारी जो ट्रेन जर्नी टिल ग्रिंडलवॉल्ड स्टेशन वाज फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज ऑफ द स्विस ट्रैवल पास। ग्रिंडलवॉल्ड टर्मिनल में हमने अपना ब्रेकफास्ट करा था व्हिच वाज समवेयर अराउंड 24 यूरो, एंड फिर हमें कैच करनी थी हमारी आइगर एक्सप्रेस, एंड आवर ट्रैवल टू यूंगफ्राउ इंक्लूडिंग गंडोला राइड, सीट रिजर्वेशन एंड द आइगर एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल चार्जेस वाज अराउंड 350 यूरो। सो उसके बाद यूंगफ्राउ में हम लोगों ने किया लंच व्हिच वाज एन इंडियन बुफे दैट कॉस्टेड अस 70 यूरो। वहां पे हमने कुछ स्नो एक्टिविटीज करी थी दैट वाज अनदर 50 यूरो। वापस आके हम लोगों ने ग्रोसरी शॉपिंग करी फॉर दैट नाइट्स डिनर और अगले कुछ दिनों का ब्रेकफास्ट दैट कॉस्टेड अस अराउंड 25 यूरो। टोटल डे 2 का जो हमारे को कॉस्ट पड़ा दैट वाज 519 यूरो। सो डे 3 वी वेंट एंड एक्सप्लोर्ड ग्रिंडलवॉल्ड एंड ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट, एंड बाय फार मेरी फेवरेट लोकेशन है यार स्विट्जरलैंड की। वी आल्सो डिड बचल्स पीक ट्रैक जो कि अपने में ही इतना
खूबसूरत नजारा था लिटरली, वो मेरे दिमाग में बस चुका है एंड आई रियली विश कि हम वहां पे दोबारा जाएं यार। नेक्स्ट टाइम हम विंटर्स में जाएंगे। हाँ सीरियसली प्लान करना ही पड़ेगा। वहाँ की एक्टिविटीज वो सुपर फन एंड क्लिफ वॉकिंग के नजारे का तो मैं क्या ही बोलूं, बट अपार्ट फ्रॉम द व्यू द एक्टिविटीज एंड द ट्रैक यू वोंट बिलीव द फूड वाज सुपर यम एंड वेजिटेरियन फ्रेंडली ऑप्शन भी अवेलेबल थे एंड गेस व्हाट वी फाइनली ट्राइड चीज फोंडू। यार अगर मैं बात करूं कि रोकड़ा कितना लगा तो हमारा जो ट्रैवल था फ्रॉम विल्डर्सविल टू ग्रिंडलवॉल्ड एंड ग्रिंडलवॉल्ड टू ग्रिंडलवॉल्ड फियर्स माउंटेन वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया ड्यू टू स्विस ट्रैवल पास। ग्रिंडलवॉल्ड फियर्स पे जो हमने एक्टिविटीज करी दैट कॉस्टेड अस अराउंड 100 यूरोस, जिसमें क्लिफ वॉकिंग एंड बचलस्पी ट्रैक वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हमने वहां पे कुछ कुछ खाना पीना खाया दैट कॉस्टेड अस अराउंड 86 यूरोस। रात को आए हम लोगों ने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर किया दैट कॉस्टेड अस अराउंड 62 यूरोस। सो इस दिन की कॉस्ट पड़ी हमें 248 यूरोस। सो डे 4 वी वेंट टू लॉटरब्रुनन वैली एंड वी एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल स्टॉबैक फॉल्स एंड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट व्हिच इज ट्रमलबैक फॉल्स। सो हमने वहां पे हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया था व्हिच वाज समवेयर अराउंड 16 यूरोस एंड फिर हम लोगों ने ट्रमलबैक फॉल्स की टिकट्स भी ली थी व्हिच वाज समवेयर अराउंड 34 यूरोस। ऑफ कोर्स स्विस ट्रैवल पास से ये हाफ प्राइस पे हमें पड़ गया था। बाकी के वाटरफॉल्स ऑफ कोर्स आप चलते फिरते एक्सप्लोर कर सकते हो। बस राइड्स भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई थी एंड वापस आते हुए ना हम लोगों ने इंडियन खाने के लिए थोड़ी सी ग्रोसरी करी थी व्हिच वाज समवेयर अराउंड 32 यूरोस। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी डे 4 की दैट वाज 82 यूरोस। अब डे 5 की अगर हम बात करें तो डे 5 पे हम लोगों ने किया लेक ब्रियंस क्रूज टूर फ्रॉम इंटरलाकेन एंड वो हमें पड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्विस ट्रैवल पास था। हम लोगों ने हमारा लगेज एयरबीएनबी से चेकआउट करके इंटरलाकेन के लॉकर रूम में रख दिया था जो हमें पड़ा था 15 यूरोस का। लेक ब्रियंस क्रूज टूर जहां पे खत्म होता है वहां पे हम लोगों ने होटल में खाना खाया था दैट होटल इज कॉल्ड गिस्बैक होटल एंड दैट कॉस्टेड अस अराउंड 47 यूरोस। उसके बाद हम लोग वहां से निकले थे लुसर्न के लिए एंड लुसर्न की जो हमारी जर्नी थी अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यू टू स्विस ट्रैवल पास एंड इनफैक्ट ये तो एक पैनोरामिक ट्रेन थी जिसमें भाई साहब बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज थे। उस दिन हम लोगों ने ओल्ड लुसर्न टाउन घूमा एंड वहां पे थोड़ा बहुत हमने रेस्टोरेंट पे खाना पीना खाया। उसमें हमारी कॉस्ट पड़ी थी 72 यूरोस। सो डे 5 का जो हमारा टोटल कॉस्ट था दैट वाज 134 यूरोस। सो डे 6 को वी वेंट टू माउंट पिलाटस जहां पे भाई साहब ने अपना एक्सीडेंट करवा दिया था। व्लॉग जरूर देखना बट हैविंग सेड दैट यार हमने मजे काफी मारे थे। व्हाइल 3 पार्ट्स ऑफ आवर जर्नी वाज कवर्ड अंडर स्विस ट्रैवल पास वी स्टिल हैड टू पे फॉर 1 पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम लुसर्न टू पिलाटस व्हिच वाज अराउंड 90 यूरोस और एडिशनल 5 यूरोस लगे थे सीट बुकिंग के लिए। वहां पे भी हमने जो भी खाना पीना किया था दैट वाज अराउंड 72 यूरोस एंड वी आल्सो डिड द फेमस टोबोगन राइड। आपने बचना है हसीनों में देखा होगा मीशा लांबा और रणबीर कपूर को करते हुए एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 9 यूरोस पर पर्सन। सो जो हमारी जो टोटल कॉस्ट थी उस दिन की दैट वाज 185 यूरोस। अब इसके बाद हम लोग गए लॉसैन। तो हमारी जो अब रेस्ट ऑफ द जर्नी थी दैट वाज लॉसैन गस्टार्ड चीज स्टार्ट जो भी आपको समझना है। यार हम इंडियंस हैं बाहर जाते हैं तो इंग्लिश में जो प्रोनंसिएशन कर पाते हैं ट्राई करते हैं कि बहुत एक्यूरेट हो बट कभी कभी नहीं होता तो यार लाइक पुलिंग मत क्या करो। सो लॉसैन गस्टार्ड मॉन्ट्रीएक्स विवी ये चारों जगह हमने कवर करी इन द नेक्स्ट 3 डेज। इन तीनों दिन में हमारा कोई ज्यादा खर्चा हुआ नहीं था बिकॉज ट्रैवल हमारा सारा फ्री था। हमारा खाने पीने का खर्चा हुआ एंड हमने कुछ कुछ सुविनियर्स लिए उसका खर्चा हुआ। तो ये 3-4 दिन की जो हमारी टोटल कॉस्ट थी दैट वाज 296 यूरोस। और फिर लास्ट डे हम लोग वापस ब्रसेल्स आ गए एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू ऑल आवर एक्सपेंसेस। ठीक है चलो टाटा बाय बाय। हेलो 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 ऐसे आधी मूवी दिखा के तुम क्या कर रहे हो यार? पूरे एक्सपेंसेस तो बताओ कितना खर्चा हुआ टोटल। ठीक है बताते हैं। सो हमने आपको जैसे पहले बताया था ट्रैवल शुरू होने से पहले हमारा जो टोटल एक्सपेंस था दैट वाज 3500 यूरोस। ट्रैवल के दौरान हमारा जो टोटल खर्चा था दैट वाज 1700 यूरोस। अगर मैं बात करूं हमारी पूरी स्विट्जरलैंड ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस थे दैट वाज 5200 यूरोस और 5 लाख रुपीज। हाँ मोटा मोटा ये कह सकते हैं क्योंकि हम लोग का ट्रैवल कॉस्ट एक तो थोड़ा कम था बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ब्रसेल्स एंड स्विट्जरलैंड। फिर हमने शेंगेन वीजा नहीं ऑप्ट किया था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी था एंड हम लोग ने इंटरनेशनल ईसिम भी नहीं खरीदा था। तो 5 लाख या 5400 यूरोस कैन स्टिल बी कंसीडर्ड एज एन एवरेज कॉस्ट फॉर अ कपल इफ यू आर कमिंग टू स्विट्जरलैंड। बट इन केस आपके बच्चे हैं या आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो कॉस्ट वैसे ही प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। बट आई एम स्टिल शॉक्ड 5 लाख रुपए 5400 यूरो स्पेंड किए थे हम लोगों ने। हमारी ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है। ओवर एक्टिंग क्या बात है भाई? 50 रुपए काटो अभी काटो ओवर एक्टिंग है। ये क्या हेराफेरी मूवी चल रही है? ओके गाइस इट इज टाइम टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट एंड वैल्यूएबल लगी है एंड इसके साथ आप अपनी स्विट्जरलैंड ट्रिप की बजटिंग कर सकते हो। एंड इन केस यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्लीज सब्सक्राइब टू दो मुसाफिर क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत सारी लेके आते हैं। इस वीडियो को लाइक करो कॉमेंट करो अपना एप्रिसिएशन कॉमेंट्स के थ्रू दिखाओ। वील सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर अच्छी खासी बढ़िया सी वीडियो। टिल देन बाय।